नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू हुंदा है सॉल्यूशंस तो अलग हुण तक आपां की पढ़ रहे सी सॉल्यूट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज सस्पेंशन तुसी पढ़िया होएगा पहला भी यह केमिस्ट्री च पढ़ते हो सस्पेंशन प्लस वन प्लस टू जो करते हैं स्टार्ट तो सब तो पहला सॉल्यूशन सस्पेंशन ही दसा जाता है सॉल्यूशन की होंगे ईवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होंगे बट सस्पेंशन की होंगे सस्पेंशन इज अ टू फेज सिस्टम की समझ आ रहा है ठीक है सॉल्यूशन च आप की टर्म यूज कर रहे सी होमोजीनियस मिक्सचर विच कांट बी सेपरेटेड सस्पेंशन च आप टर्म यूज कर रहे हैं टू फेज सिस्टम टू फेज सिस्टम क्यों क्योंकि सल्यूट पार्टिकल्स इन दिस सल्यूट पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इनटू द सॉल्वेंट कई बार जो तो सनलाइट आ रही होंगी है तो अपन उस च की दिखती है जो सनरेज होंगी उस च की होंगे थोड़े थोड़े सॉयल पार्टिकल्स दिख रहे होंगे वो की होंगे सस्पेंडेड सस्पेंडेड मतलब लटक रहे होंगे तो कई बार जो आप पानी च कोई चीज मिक्स करते हैं वो मिक्स नहीं होंगी पानी च तैरती है सस्पेंड रहती है ठीक है दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज सस्पेंशन टू फेज सिस्टम क्यों क्योंकि अपन सॉल्वेंट अलग दिख रहा होंगे और सोल्यूट अलग दिख रहा होंगे इस करके इन की कहें सस्पेंशन कहते हैं टू फेज सिस्टम सोल्यूट पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन टू द सॉल्वेंट सॉल्वेंट ठीक है दैट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन ठीक है और सस्पेंडेड क्यों रहते हैं क्योंकि इस जो सल्यूट साइज होंगे सल्यूट के पार्टिकल्स का साइज होंगे दैट इज मोर दैन 0.1 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर उस आप की कहा सी कि जो सल्यूट होंगे उन्हों का साइज बहुत छोटा होंगे ईवन लैस दैन 0.001 माइक्रोन मोलर पर इस जो साइज है दैट इज मोर दैन 0.1 माइक्रोन मोलर सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन नेक्स्ट जो है इमल्शंस ऑयल इमल्शंस आप पढ़ते हैं वट आर इमल्शंस इमल्शन इज अ मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल टू इमिसिबल लिक्विड्स सस्पेंशन जब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट अलग अलग ऐड कर रहे हैं इमल्शन की होंगे इस दोनों लिक्विड्स होंगे है इमिसिबल का मतलब की है जेडे आपस च मिक्स ही नहीं हो सकते दे रिमेन सेपरेटेड चाहे उन्होंने जिन्ना मर्जी आप शेक कर लिए दो लिक्विड्स नू एड करके बट वो अलग अलग रहते हैं दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड एज इमल्शन कोई कॉमन एग्जाम्पल थोड़े दिमाग च आ रही हो जो आप कॉमनली ऑबजर्व करते हैं ऑयल इन वॉटर ऑयल की अगर एक ड्रॉपलेट भी वॉटर च चल जाती है तो वह वॉटर च की होंगी है चंगी तरह मिक्स नहीं होंगी अलग अलग रहती है लेयर्स बन जाती है ऑयल की अलग लेयर होंगी है वॉटर की अलग लेयर होंगी है वी कैन सी विद आवर नेकेड आईज ठीक है दैट दे आर नॉट मिक्स टू इन टू ईच अदर दोनों की होंगे अलग अलग होंगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स फॉर एग्जाम्पल ऑयल इन वॉटर चाहे कितना मर्जी विगरसली शेक कर लिए बट दे रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर क्लियर ए हो गया टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स सोल्यूशन सस्पेंशन इमल्शंस नेक्स्ट जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट यू हैव डेफिनेटली लर्न अबाउट दिस ऑलरेडी एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की होंगे एसिड एसिड आप जनरली कहने विच कैन विच कैन डोनेट आ एच पॉजिटिव आयन और वी कैन कॉल्ड इट एज प्रोटोन विच कैन डोनेट आ प्रोटोन ठीक है और बेस क्यों होंगे विच कैन
कंबाइन विद अ प्रोटोन विच कैन गेन अ प्रोटोन. एसिड्स की होंगे विच कैन डोनेट अ प्रोटोन. बेसिस आर विच कैन कंबाइन विद और विच कैन गेन प्रोटोन्स. ठीक है. सॉल्ट्स की होंगे है. सॉल्ट इज यूजली फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड. एसिड एंड बेस इज मिक्स्ड देन द जो भी मिक्सचर बनता है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ वी एड कोई एग्जाम्पल है जिसमें NaOH की है बेस है HCl की है एक एसिड है. जो तो दोनों नू ऐड कर दिया तो अपने कोल की बन जाता है NaCl यानी सॉल्ट. ठीक है. इधर तुसी पढ़िया ही है वैसे कि एसिड्स की होंगे विच कैन डोनेट आ प्रोटोन. बेस की होंगे विच कैन कंबाइन विद और विच कैन गेन आ प्रोटोन. सॉल्ट्स की होंगे दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस. क्लियर. देन जो सोल्यूशन होंगे दे आर ऑफ टू टाइप्स इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ये जो है सब बेसिक टर्म्स है जो जरूरी है तो उन्हें पता होनी फिजियोलॉजी शुरू करने तो पहला. ठीक है. ये सारिया बेसिक टर्म्स है. वैसे तुसी केमिस्ट्री चो भी पढ़िया हुई है बट इतने भी अपन जरूरी है फिजियोलॉजी स्टडी करनी है प्लांट्स की. ठीक है. तो इलेक्ट्रोलाइट्स की होंगे है दे आर सम सबस्टांसिस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट वेन दे आर डिजोल्ड इन वॉटर. कुछ जड़े सबस्टांसिस होंगे है कुछ जो मिक्सचर्स होंगे है उन्होंने जब आप वॉटर च रखते हैं दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सच सबस्टांसिस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स. और दूसरी तरफ केड़े सबस्टेंसेस होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स केड़े होंगे द कंपाउंड्स अनेबल टू डिसोसिएट इनटू वाटर और अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जाम्पल है. इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स केड़े होंगे है चाहे उन्होंने वाटर चापा रख दिए बट दे कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. दे कांट गेट डिसोसिएट इनटू आयंस. इलेक्ट्रिसिटी को तो पास होंगी है जो डिसोसिएशन ऑफ आयंस होंगी है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की होंगे डिसोसिएशन ऑफ आयंस नहीं होंगी. अगर डिसोसिएशन ऑफ आयंस नहीं होंगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी. सो दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. उस तो बाद एक कॉमन टर्म है जिद बारे तुम सुने हो पीएच. वट इज अ पीएच. पीएच की होंगे इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन पावर. पीएच का मतलब की है हाइड्रोजन पावर. हुंदा की है टू क्वांटिटेटिवली क्वांटिटेटिवली मेजर द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एक्वस और एनी लिक्विड सोल्यूशन. की होंगे पीएच की होंगी है इट कैन जो आप अगर सोल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी मेजर करने लिए जो आप क्वांटिटेटिव मैथड यूज करते हैं दैट मैथड इज कॉल्ड एज पीएच. ठीक है. दैट मैथड इज कॉल्ड एज पीएच या दैट टर्म इज कॉल्ड एज पीएच. ठीक है. जो इदा मेन फंड है वो तो पता ही होएगा. इफ तीन होंगे पीएच की जो स्केल होंगी है अगर इक्वल टू 7 हो मटीरियल की है न्यूट्रल. अगर पीएच इज लैस दैन 7 हो की होंगे इट इज एसिडिक. इफ पीएच इज मोर देन 7 होवे तो की होंगे इट इज बेसिक इन नेचर. अगर 7 है तो न्यूट्रल होगी. 7 तो घट है तो एसिडिक होंगी है. जिम्मे 6 है या 6.5 है 6.8 है दे ऑल आर एसिडिक मटीरियल. अगर पीएच
मोर देन 7 होंगी है, जिमें 8 है, 9 है, 10 है, या 7.1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, देन इट इज बेसिक इन नेचर. और अगर 7 है, इट इज न्यूट्रल इन नेचर. ठीक है, देन नेक्स्ट जो टर्म है बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन की होंगे इन विच द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन रिमेन्स पर्टिकुलरली अनचेंज्ड बाय डल्यूशन. बफर सॉल्यूशन की होंगे जिस चापा की करिए कि मर्जी वाटर ऐड करिए करी जाइए, बट जो उसकी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है वो सेम रहती है ना, उसकी एसिडिटी चेंज होंगी है ना एल्कलाइनिटी या बेसिसिटी चेंज होंगी है. दैट मीन्स इट्स एसिडिटी एंड एल्कलाइनिटी रिमेन्ड अनचेंज्ड एंड इट कैन रिजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच ऑन द एडिशन ऑफ एसिड और बेस. बफर सोल्यूशन मतलब आप कह सकते हैं दे आर न्यूट्रल सोल्यूशन, ना उन्होंने एसिडिटी चेंज हो सकती है ना ही बेसिसिटी चेंज हो सकती है. इस तरह के सोल्यूशन की कहते हैं बफर सोल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टर्म है सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन की होंगे द सरफेस टेंशन इज द फोर्स विद विच द मोलिक्यूल्स ऑफ एनी बाउंड्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड आर बाउंड. द फोर्स सरफेस टेंशन की होंगे द फोर्स विद विच मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सरफेस टेंशन इज द फोर्स विद विच मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी बाउंड्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड आर बाउंड.